वेलकम बैक टू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? इसी के साथ नए दिन की शुरुआत और आज ये नया व्लॉग। तो भाई अभी सीन कुछ ऐसा है, अभी हम बैठे हुए हैं ऑफिस में और आज भाई व्लॉग शूट करेंगे अच्छा सा। यार अभी ना क्या है कि अभी जिम रिसेंटली मैंने चालू किया है, तो थोड़ा सा क्या है ना, शुरू के दिन में थोड़ा सा पेन होता है, तो अभी थोड़ा सा अच्छा खासा पेन है बॉडी में, तो उठने का मन नहीं करता। और जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि ठंड आ गई है भाई, तो बिस्तर छूटता नहीं है सुबह सुबह, पर फिर भी उठना पड़ता है। और मतलब भाई ठंड के स्टार्टिंग के डेज बड़ा मज़ा आता है लाइफ में, कि एकदम ठंड लगती है और कंबल अम्बल रहता है, तो ठीक है। और बाकी अपने लिए अच्छा है, पर गरीबों के लिए तो थोड़ा सा रहता है यार बेचारे, मतलब बहुत कैसे कुछ पन्नी पे सो रहे हैं कुछ पे, पर फिर भी हम लोगों से जितना होता है और आगे भी हम करेंगे, ठंड में जितने कंबल बांट सकेंगे बांटेंगे और बुलवाएंगे अभी कंबल बीच में, कि ऑलमोस्ट जो मतलब हमें मिलते जाए हम उसको देते जाएं। गाड़ी में भी अभी ऐसा है कि डैडी की गाड़ी में अलग रखेंगे, हमारी गाड़ी में अलग रखेंगे, कि जब जब कोई दिखेगा तो हम उस चीज़ को बांटेंगे, क्योंकि भाई आज हमारे पास है तो हम कर रहे हैं, नहीं होता तो नहीं करते। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, अभी हम बैठे हुए हैं ऑफिस में, यहाँ से बस थोड़ी सी देर में फ्री होना है, यहाँ से थोड़ी सी देर में फ्री होते हैं, फिर देखते हैं आज क्या है। आज शायद एक वेडिंग में भी जाना है, तो देखते हैं कैसा क्या सीन है, मिलते हैं। हम निकले जस्ट, कुआ हमारा भरा रहा है अभी, तो भाई अभी हम जा रहे हैं अभिनव भैया के पास, तो वहाँ एक शोरूम का काम चल रहा है, तो आपको हो सका तो अभी दिखाते हैं कैसा क्या सीन है, तो अभी चलते हैं। भैया हमें विजिट करा रहे हैं अभी यहाँ नया सीओर में, हम बहुत अच्छी एक चीज़ लेकर आ रहे हैं, सरप्राइज है भाई। यहाँ काम चल रहा है, ये क्या रहेगा? ये चेंजिंग रूम रहेगा, अब समझ जाओ क्या आ रहा है भाई। यहाँ का काम चल रहा है तेजी से, ग्लास लगे काम चल रहा है। ये नीचे है ग्राउंड और ये फर्स्ट, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत प्यारा आउटलेट आने वाला है सीहोर में, और जो भी सीहोर के लोग हैं उनके लिए तो बहुत जल्दी फटाखा फूटने वाला है भाई, अभी सरप्राइज रहने देते हैं इस चीज़ को। तो देख सकते हो भाई, और ये लोग जो ब्रांड है इतनी तेज़ी से काम कर रही है, मतलब एक महीने के अंदर तो इनने क्या क्या कर दिया देखो आप। फिर वहाँ खड़ी हुई भाई अपनी गाड़ी, ये पूरा सामान आ चुका है और आते जा रहा है, और भाई ये लाइट जब जलेंगी बहुत बहुत लगे ऐसा लगेगा। तो भाई ये देखो कितने बड़े बड़े एसी हैं भैया, एसी है ना, वेंट्स है ना, क्या बोलते हैं इनको, ब्लोअर भाई, ब्लोअर एसी ब्लोअर। तो भाई यहाँ इसमें आ रहा है G+1, नाम ओपन नहीं करेंगे, नाम भैया ओपन करेंगे, सरप्राइज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। भैया के साथ चाय, भैया आए बहुत दिनों बाद पकड़ में, भैया से हम ले रहे हैं ज्ञान और कर रहे हैं ट्रिप प्लान, भैया लेकर चलेंगे। भैया जवाब दो कब चलेंगे? जब ध्रुव बोल देगा भैया टांसी देते हैं बहुत ऑन कैमरा ऐसा बोल रहे हैं, बैक कैमरा फ्री हो जान दे यार मेरे को भाई ये पीते हैं और फिर चलते हैं। देखो यार सबसे पहले तो लाइफ में बड़ा फकडप चलता है, इसको ऐसे करके पीछे करो पहले और फिर बैठ। हाँ जी, तो मेरे भाई अभी हम जस्ट घर से निकले हैं, एकदम टोटल ओवरऑल फ्री हो चुके हैं, और जैसा कि अभी बज रहे हैं 5:30, हम जा रहे हैं ग्रेसेस, तो भाई बढ़िया वहाँ बैठेंगे। और दूसरा सीन कुछ ऐसा है कि कल है हमारे मुन्नू भाई का बर्थडे, तो हम करेंगे सेलिब्रेट, जो कि कल रात में नहीं करेंगे, और हो सका तो रात में भी कर लेंगे, पर हमारी मम्मा का कहना रहता है नहीं, नेक्स्ट डे, तो हम नेक्स्ट डे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और देखते हैं कल का कैसा क्या सीन रहेगा। तो स्टे ट्यून गाइस, तो चलते हैं। अभी आते से ही जो सुकून मिलता है ना, वो बिल्कुल मेरे फ़ोन की तरह प्रो मैक्स जैसा मिलता है भाई देख रहे हो, मतलब इतना सुकून है ना, अब तो शादियाँ चालू हो गई हैं तो फिर भी भरा रहता है, वरना तो भाई क्योंकि लाइफ में कुछ कुछ ऐसी जगह होती है ना जहाँ के इंसान को बहुत सुकून मिलता है, जहाँ के वो सब चीज़ें भूल जाता है, वो जगह ये है मेरे लिए। और यहाँ आज चल रही है ना अंकल आंटी लोगों की पार्टी, और मस्त सारे एजेड लोग हैं, तो भाई मस्त अब अपनी यहाँ आएगी लेमन टी, और बहुत सुकून है भाई जगह, मतलब पता नहीं वीडियो में तो बता नहीं पता भाई, लाइफ में कभी ज़रूर आना है ग्रेसेस सीहोर, बहुत मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना इतनी ब्यूटीफुल है, पता है हर टाइम, मतलब जैसे कि ये है अभी शाम के टाइम कुछ अलग लगता है, दिन के टाइम कुछ अलग लगता है, रात के टाइम कुछ अलग लगता है, मतलब मस्त है भाई, मतलब मेरे शब्दों में बोलूं तो भाई कोई शब्द ही नहीं बना इस प्रॉपर्टी के लिए। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि भाई आज ना
रेसी से आया घर, बैठा आराम से सुकून से और दो घंटे बैठा सबके साथ। अब भाई निकला हूँ और अब लग रही है भूख, क्योंकि भाई मैं कर रहा हूँ डाइट और बहुत जोरों की डाइट कर रहा था। अब आज से नहीं हो रही, आज खाऊँगा बाहर का पेल के खाऊँगा मस्त, वो भी ढाबे का खाऊँगा, पनीर पकौड़े खाऊँगा, सेव टमाटर खाऊँगा, लच्छा पराठा खाऊँगा, प्याज खाऊँगा, चना चिल्ली खाऊँगा, भाई सब आज खा लूँगा। फोन ला के ऑर्डर देना था पर मैंने वीडियो में ऑर्डर दे दिया। तो भाई अभी हम जा रहे हैं, भाई तो आराम से चला जाए, भाई डर लगता है यार मेरे को यार। तो भाई अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, खाते हैं खाना फिर दिखाते हैं, चलाता हूँ बेटा तुम लोगों सबको चलाऊँगा आज। छुपे में खाने का मन कर रहा है, भूख सही नहीं हो रही, मंचूरियन खाने का मन कर गया था, ये रहे मंचूरियन, ही आ गए पनीर पकौड़े। भाई मत पूछो आज इतना मज़ा आ रहा है ना कि बस बता नहीं सकते। क्या कहना है तुम्हारा बच्चों जी? हाँ लग भाई दो बस रुक के दो पाँच मिनट। दाल तड़का, लच्छा पराठा, सेव भाजी, अरे और प्याज और भाई और कुछ बताए खाते हैं भाई, आलू पराठा। भाई मस्त भाई डिनर हो चुका है, पेट एकदम टमी बाहर आ गया है, तो फुल मज़ा आ गया। तो भाई अब चलते हैं खाते हैं पान और चलते हैं रात में बर्थडे उसको विश करेंगे, क्योंकि वैसे अभी मम्मा ने बोला कि हम नेक्स्ट डे ही सेलिब्रेट करेंगे, तो हम अगले दिन ही सेलिब्रेट करेंगे। अभी हम जा रहे हैं खाते हैं पान, दाढ़ी हो चुकी है हमारी बड़ी, चलो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई सुबह हो चुकी है और मस्त हम सुबह मंदिर अंदर होकर आए, अपने काम थे वो किए, अब थोड़ा सा केक कटेगा तो मस्त अभी कटने वाला है केक, जो कि फैमिली ही फैमिली में कटेगा, तो चलते हैं काटते हैं केक, खाते हैं, बहुत टेस्टी है वो बाल सर का। आपको केक खा के भाई स्वादिष्ट सा केक चल रही है, खाने के लिए बोला क्या? खाने यार भाई केक बहुत ही उम्दा है, उम्दा। कितने साल की हो गई, क्या कहना चाहोगी? भैया क्या खाओ, केक खा लो। क्या कहना चाहोगी आप? ये कहना चाहेंगे कि फोन बंद कर दो और दिमाग कम चाटे यार, और दिमाग कम चाटो। मेरे भाई देखो कृष्णा ढाबा, ढाबा नहीं रहा, देखो ऐसा करी मारा मारना, बड़ा मजा आता है, इंसान ऐसा इरिटेट हो जाता है ना। देखो हमारा उल्लू का फास्ट ट्रैक का ये फोड़ गया उसका उल्लू, ये क्या है? इसे गाड़ी पे खड़े हुए रिवर्स गियर नहीं डालने दे रही है, मत कर गियर टूट जाएंगे तेरे, खड़ा रहा मेरा हैंड ब्रेक खींच लो। चलो चलो फिर तेरी। हेलो, सुबह हो चुकी है, कल ब्लॉग एंड कर नहीं पाए थे, बहुत ज्यादा थक गए थे, तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सो बाय बाय।